नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस बार क्या रहेगा दिवाली का शुभ मुहूर्त और दिवाली कब मनाई जाएगी और किस दिन खरीदारी करना अच्छा रहेगा और ऐसा क्या करें कि सुख समृद्धि बढ़ती रहे, आइए जानते हैं। दिवाली का पर्व 5 दिवस तक धनतेरस से भाई दूज तक मनाया जाता है और यह दीप महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस बार यह उत्सव 5 दिन के स्थान पर 6 दिन मनाया जाएगा। धनतेरस पर्व पर धनवंतरी पूजन 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन से दीपक प्रज्वलित किया जाता है और कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी पूजन होता है। इस बार 12 एवं 13 नवंबर दोनों दिन अमावस्या है, लेकिन प्रदोष काल 12 नवंबर को होने के कारण दीपावली का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। रूप चौदस 11 नवंबर, रूप चौदस को छोटी दिवालिया काल रात्रि भी कहा जाता है। तंत्र यंत्र का प्रयोग करने वाले इस रात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। दीपावली 12 नवंबर दिवाली पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन घर द्वार को सजाया जाता है। आसपास के घरों में, मंदिरों में, चौराहे आदि स्थानों पर दीपक प्रज्वलित कर दीपदान करना चाहिए। अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सोमवती अमावस्या 13 नवंबर दिवाली के दूसरे दिन इस बार सोमवती अमावस्या का पर्व रहेगा। इस दिन दान और पितृतर्पण करें, इससे पुण्य प्राप्त होता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा 14 नवंबर, वैसे तो दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है, परंतु इस बार सोमवती अमावस्या का पर्व होने के कारण गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण के गोवर्धन के रूप में पूजन किया जाता है। भाई दूज यम दोज 15 नवंबर दिवाली के 5 दिवस दीप महोत्सव का यह अंतिम दिन रहेगा। इस दिन यम देवता का यमुना महारानी पूजन करती है। इस दिन महिलाएं अपने भाई का पूजन करके उनके लंबी आयु की कामना करती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।